अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रखी है, जिस फैसले का इंतजार था, अदालत की ओर से फैसला सुना दिया गया है और अयोध्या आतंकी हमले पर 14 साल बाद ये फैसला आया है। तो 2005 का ये पूरा मामला रहा और लोगों की ओर से लगातार इंसाफ की मांग की जा रही थी। फिलहाल 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और दोषियों पर 40,000 का जुर्माना भी लगाया गया है अदालत की ओर से। मयंक श्रीवास्तव के हमारे संवाददाता अयोध्या से फोन लाइन पर जुड़े हैं। मयंक, फैसला आखिरकार सुना दिया गया 14 साल बाद, लेकिन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, इसके अलावा बाकी जो दोषी नकली थे उनको बरी भी किया गया इस मामले में, बताइए। देखिए, जिस तरीके से आज जो फैसला आया है, 14 वर्षों बाद ये फैसला आया, 5 जुलाई 2005 को अयोध्या के जो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, श्री रामलला का जो स्थान है, विवादित परिसर है, वो पूरी परिसर पर आतंकी हमले किया गया था, जिसमें 5 आतंकी यहाँ आए थे और उन्हें कार जीप ब्लास्ट करके अंदर घुस कर जो है श्री रामलला पर हमला करने की कोशिश किया था। सीएसपी और सीआरपीएफ के जवानों ने उन मुठभेड़ के बाद उन 5 को गिरा दिया था। आज उन जो उनके सहयोगी आतंकवादी, 5 आतंकवादी जो नैनी जेल में बंद थे, उसमें फैसला आया है, जिसमें 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, अर्थदंड की सजा दी गई है। उसमें एक आरोपी अजीज है, जिसको सबूतों के अभाव के वजह से उसको छोड़ दिया गया, 22 दिन बरी कर दी गई है। इसमें जो पीड़ित परिवार के लोग रहे, 3 लोग हमारे मारे गए थे, जिसमें 2 बम ब्लास्ट में मारे गए थे और एक कृष्ण स्वरूप जो थे, जिनको पैर में गोली लगी थी, आतंकवादियों द्वारा गोली मारी गई थी, वो कुछ समय बाद इलाज के बाद मारे गए थे। तो जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनका कहना है कि जो फांसी की सजा दी गई है, वो फांसी की सजा कम सजा दी गई है। उसने उनकी अपेक्षा थी और ये मांग की कि सभी जो आरोपी हैं, उन आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन जो इस समय जो सजा दी गई है आजीवन कारावास की, वो आजीवन और कारावास की सजा जो दी गई वो कम सजा मानी जाएगी, इनको फांसी सजा की ये मांग कर रहे थे। तो जो फैसला आया है, निश्चित है कि कोर्ट का फैसला माना तो जा रहा है, लेकिन उनके मन में एक चीज जरूर रही कि परिवार जो बर्बाद हुआ, उस परिवार के बर्बाद होने की वजह से, इन लोगों के कारण ही परिवार बर्बाद हुआ, इन आतंकी हमलों में परिवार बर्बाद हुआ, तो ऐसे में इनको सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए थी और जो आजीवन कारावास की सजा मिली है वो कम सजा मिली। जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो आखिरकार इंसाफ मिला है, लेकिन मृत्यु दंड की लगातार मांग की जा रही थी। इससे पहले भी आपको एक खबर बताई थी, फिलहाल 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि क्या कुछ आदेश में कहा गया, क्या फैसले में कहा गया, वो अभी जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है, कुल 5 में से 4 को उम्र कैद, 1 को बरी किया गया है सबूतों के अभाव में। तो 2005 का ये पूरा मामला रहा, जिस पर आज फैसला सुनाया गया अदालत की ओर से।